ये कहकर बस करो विधि, थक गया हूं मैं तुमसे। विधि चुपचाप सनी की आंखों में देखे जा रही थी। सनी विधि से इरिटेट होकर कहता है, अरे एक तरफ तुम लड़कों को जानबूझकर लीड ऑन करती हो और फिर अपने इसी तरह के बिहेवियर से उनको फोर्स करती हो कि वो तुमसे ब्रेकअप कर ले। यू आर सच अ बिच। मुझे मुझे एक्चुअली अफसोस होता है उस आदमी के लिए जो तुमसे शादी करेगा। यू नीड गुड लक विधि। ये कहकर वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। विधि अब लवर्स पॉइंट पर अकेले खड़ी थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी विधि ने अपने हैंडबैग से फोन निकाला और कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कॉल उठते ही विधि बेचैनी से बोली, हेलो विक्रांत, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। विक्रांत ने विधि की आवाज में एंजाइटी भांपते हुए कहा, Yes, of course. Come over. ये सुनते ही विधि ने फोन कट किया और सोचते हुए पास ही पार्क्ड एक BMW में बैठी, गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से देहरादून की सड़क पर निकल गई। विधि बहुत स्ट्रेस में थी। जल्द ही उसने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री ली और गाड़ी पार्क कर तेजी से विक्रांत मिश्रा के ऑफिस में एंट्री की और विक्रांत के गले लग गई। आई नीड यू विक्रांत, प्लीज गिव मी अ टाइट हग। विक्रांत ने विधि को गले लगाया हुआ था। अपने हाथों को विधि के पीठ पर फेरते हुए विक्रांत बोला, तुम जैसी खूबसूरत यंग और सक्सेसफुल लड़की से मैं ये उम्मीद नहीं करता। क्या हुआ? आंखों में आंसू लिए विधि बोली, मुझे मुझे एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है विक्रांत। लेकिन तभी विधि का मोबाइल बज उठा। कॉल पिक करते हुए विधि बोली, हाँ क्या हुआ, क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ विधि की मां सुषमा एक आलीशान ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। अरे बनारस से पंडित जी आए हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जल्दी आओ। ये जल्दी जल्दी कहकर सुषमा ने फोन काट दिया और एक तस्वीर देखने लगी। कितना सुंदर लड़का है पंडित जी, बस आप विधि को किसी तरह इस शादी के लिए मना लीजिए, तब तक आप ये समोसे खाइए ना। पंडित जी ने समोसे खत्म किए ही होते हैं कि विधि पहुंच जाती है और एक्साइटेड होकर उनके वहां आने की वजह पूछती है। जवाब में सुषमा विधि के आगे एक लड़के की फोटो रख देती है। विधि फोटो देखकर कहती है, मेरी कंपनी डूब रही है मॉम, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इस लड़के को मेरी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। तभी पंडित जी बोलते हैं, बेटा आपकी कुंडली बैड लक से गुजर रही है, तभी आपकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। इस लड़के के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि ये लड़का आपकी बैड लक को गुड लक में बदल देगा, इससे आप विवाह कर लीजिए। ये सुनकर विधि कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, क्या शादी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है? पंडित जी विचार करके कहते हैं, बहुत सोचा मैंने, लेकिन विवाह एक ऐसा बंधन होता है जहां एक भाग्य दूसरे के भाग्य को प्रभावित करता है, विवाह के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। विधि चुप होकर सोचने लगती है, फिर कहती है, लेकिन जब ये इतना लगी है तो ये मुझसे शादी क्यों करेगा? पंडित जी धीमे से कहते हैं, दरअसल बेटा ये कान से बहरा है। पंडित जी का ये जवाब सुनकर विधि हंस पड़ती है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। ये कहकर विधि वहां से निकलने लगती है, लेकिन सुषमा उसे रोकती है और विधि को तस्वीर देते हुए कहती है, मैं सजेस्ट करूंगी बेटा एक बार इससे बात तो कर लो। सुषमा की बात सुनकर विधि सार्कास्टिकली हंसती है, क्या नॉनसेंस कह रही हो, एक बहरे से कोई क्या बात कर सकता है मॉम। सुषमा झेप जाती है और कहती है, इसके बारे में सोचो, तुम्हारे ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन है ये। विधि हंस के कहती है, आप लोगों की बातों से लग रहा है कि आप एक दामाद नहीं एक बहू ला रहे हैं। पंडित जी भी हंस पड़ते हैं, हाँ बेटा एकदम गऊ है ये लड़का, संस्कारी, जिस खूंटे से बांध दोगी वही बंधा रहेगा। विधि सोच में पड़ जाती है, फिर पूछती है, क्या नाम है इसका? और जो पंडित नाम बोलता है वो सुनकर विधि सोचने पर मजबूर हो जाती है, बेटा इसका नाम विधान है।
सुषमा भी अपना एक शगुफा छोड़ देती है। इमेजिन बेटा, विधि का विधान, मेड इन हेवन। विधि अपनी माँ का डेस्परेशन देखकर स्माइल करती है और वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन विधि अपने कमरे से तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि सुषमा टोकती है, कब तक वापस आओगी? विधि इरिटेट होकर बोलती है, कितनी बार बोला है पीछे से मत टोका करो, एक मीटिंग है, कल सुबह आऊंगी। कुछ ही देर में विधि हाईवे पर बने एक 5-स्टार होटल के सामने गाड़ी रोक देती है। ब्लैक स्कर्ट और ब्लैक टॉप में विधि जब होटल की लॉबी में एंटर करती है तो लोग उसे पलट पलट कर देखने लगते हैं। लेकिन विधि सीधे कॉफी शॉप पहुंच वहां बैठे एक लड़के के पास आकर इशारों में बात करने लगती है। वो लड़का खड़े होकर बोलता है, मैं लिप रीडिंग कर सकता हूँ, आपको साइन लैंग्वेज में बात करने की जरूरत नहीं है। हाय, आई एम विधान। विधि रिलीट होकर उसका हैंडशेक करते हुए कहती है, विल यू प्लीज फॉलो मी। विधि चलने लगी और दोनों रूम नंबर 303 के अंदर आ जाते हैं। विधि रूम लॉक कर देती है और कॉन्फिडेंटली होकर काउच पर बैठते हुए विधान से कहती है, हम दोनों यहाँ पूरी रात बिताएंगे, जैसा मैंने तुम्हें मैसेज किया था। विधान बेड पर बैठते हुए बोला, लेकिन आपको इस रूम में क्या बात करनी है? विधि ने विधान को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उल्टा वो उसको ध्यान से देखने लगी। विधान ने एक ग्रे सूट पहना हुआ था। विधि के मुंह से कॉम्प्लीमेंट निकल गया, यू लुक ग्रेट। विधान के चेहरे पर स्माइल आ गई और एक्साइटेड होकर बोला, लेकिन आप तो किसी मॉडल या फिल्म स्टार की तरह दिखती हैं। अपनी तारीफ सुनकर विधि को अच्छा लगा। दोनों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन फिर विधि ने जो बोला उसने विधान के होश उड़ा दिए। अपने कपड़े उतारो, विधान एकदम शॉक था। चलो जल्दी करो, अपने सारे कपड़े उतारो। धीरे से विधान बेड से उठा और अपने कपड़े उतारने लगा। विधान जब सिर्फ अंडरवियर में था तब विधि भी काउच से उठी और अपने कपड़े उतारने लगी। विधान को शर्म आ रही थी, वहीं विधि में कॉन्फिडेंस था। सिर्फ ब्लैक अंडरगार्मेंट्स में विधि एक स्विम सूट मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी टांगे लंबी और सुडौल थी, टांगों के ऊपर उसके फैले हुए हिप्स उसकी पतली कमर को और निखार रहे थे। विधि की उभरी हुई छाती देखकर विधान एकदम से अपनी नजरें हटा लेता है, लेकिन फिर विधि बेड पर चली जाती है और ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर वो अपने अंडरगार्मेंट्स भी उतार देती है और विधान से कहती है, तुम भी अपने अंडरगार्मेंट्स उतार कर ब्लैंकेट में आ जाओ। विधान के होश उड़े हुए थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा विधि ने बोला। अब दोनों बेड में थे। विधान तो बहुत कंफ्यूज था कि इतनी खूबसूरत अमीर लड़की ये क्या कर रही है। तभी विधि ने समझाते हुए विधान से कहा, सी विधान, यहां हमारा इस तरह एक होटल रूम में बिना कपड़ों के होना तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। लेकिन विधान अब और कंफ्यूज हो गया। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूं, डिजायरेबल हूं, हम दोनों इसी तरह पूरी रात बिताएंगे, और अगर तुमने मुझे बिना छुए बिना हाथ लगाए पूरी रात गुजार ली तो तुम ये टेस्ट पास कर लोगे, इज इट ओके? विधान शॉक में था, लेकिन उसने हां में सर हिला दिया और चुपचाप लेट गया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में विधान गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विधि जाग रही थी और सोच रही थी। दूसरे दिन इससे पहले कि विधान की आंख खुलती, विधि वहां से निकल गई और कार में बैठकर उसने विधान को मैसेज किया, एज प्रॉमिस्ड कंग्रेचुलेशंस, हम दोनों शादी कर रहे हैं। विधि और विधान की शादी विधि पूर्वक पूरे समाज के सामने हुई। लोगों ने हजारों सवाल उठाए, लेकिन विधि को तो सिर्फ विधान की गुड लक कुंडली पे भरोसा था। और देखते ही देखते विधि और विधान की शादी को पूरा एक साल कंप्लीट हो गया। आज उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की तैयारियां चल रही है। सुषमा सोफे पर बैठे नौकरों को ऑर्डर दे रही है, तभी
एक ग्लास वॉश टूट जाता है और सुषमा चिल्ला के बोलती है, अरे एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला, चलो साफ करो जल्दी करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। एक नौकर दौड़कर आ ही रहा होता है तभी सुषमा इतरा कर कहती है, अरे नहीं तुम नहीं, दामाद जी कहाँ हैं आप? विधान दौड़कर आता है, देखो तुम्हारी गुड लक, ये वास भी टूट गया, चलो जल्दी जल्दी साफ करो। हाँ विधान जल्दी से वास के टुकड़े बटोरने लगता है और सुषमा बड़बड़ाने लगती है, कहाँ फंस गए हम उस पंडित की झूठ में, अरे कैसा कैसा धमाल मिल गया मुझे। कैसा क्या माँ? साफ साफ उल्लू बनाया है हमें, गऊ बोल के पंडित जी ने इसे बेचा था ना, ये गऊ नहीं गधा है, गधा। वो पंडित मिल जाए ना तो मैं उसकी पंडिताई का लाइसेंस छीन लूं। विधान चुपचाप जमीन साफ कर रहा था और विधि की खूबसूरती को निहार रहा था। विधि आज भी उतनी ही सुंदर दिख रही थी। तभी विधान ने कहा, बीबी देखो जमीन तो साफ हो गई, ये फेरी लाइट्स यहां यहां और यहां लगा दो क्या? विधि विधान को गुस्से से देखती है लेकिन विधान स्माइल करते हुए कहता है, बीबी गधा हूं तो क्या हुआ, हूं तो तुम्हारा पति ही ना। विधान की बात सुन विधि को तेज गुस्सा आता है और वो विधान की तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी उसका पांव कालीन में फंस जाता है और वो सीधे विधान की बाहों में गिर जाती है। विधान उसको कसकर पकड़ लेता है और उसके चेहरे के एकदम पास आ जाता है। विधि को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए, लेकिन फिर से दोनों के बीच एक कशिश सी बढ़ने लगती है। दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। वहां मौजूद काम करता हुआ स्टाफ तालियां बजाने लगता है, तभी सुषमा की नजर भी उन पर पड़ती है। अरे बेशर्मी की हद होती है, विधि क्या कर रही हो, गेस्ट आने को है। विधि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन विधान नहीं छोड़ता और धीरे से कहता है, सुनो ये गेस्ट कोई और नहीं टैनी है। विधि धीरे से कहती है, तो विधान कहता है, अरे तो ऐसे कि तुम्हारी माँ तुम्हारा सौदा कर रही है कि विधि तुम्हारी और बदले में 8 करोड़ मेरे। ये सुन विधि कहती है, हाँ तो अच्छा है ना, कर लूंगी उससे शादी, तुम्हें क्या। विधान अब विधि के और पास आकर कहता है, विधि कैसे करोगी उस जानवर से शादी, वो तुम्हें हवस की नजर से देखता है, भूल गई तुम? मुझसे भी तो तुमने इसी शर्त पर शादी की थी कि हम एक बेड पर सोएंगे जरूर, लेकिन हम कभी सेक्स नहीं करेंगे। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। विधि के चेहरे पर अब नर्वसनेस थी। विधान को विधि का सच कैसे पता चला?